हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चिश ब्यूटी व्लॉग्स। तो यहाँ पर आपने देखा लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था मैं अपने रूम का मेकओवर कर रही हूँ, रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ, थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो कंटिन्यू वही वाला व्लॉग के आगे का व्लॉग मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों ने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ इसके बाद वाला जो इसके पहले जो व्लॉग डाला था वो वाला पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर कंटिन्यू मैं कर रही हूँ रूम की क्लीनिंग, एंड काफ़ी सारा मैस हो रखा था क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बाहर करी ना, तो फिर एक साथ आपको पता है घर की जब हम क्लीनिंग करते हैं तो सब कुछ एकदम से हमें निकाल के रखना होता है, तो पूरा भरा भरा सा रूम लगने लग गया था क्योंकि सारी चीज़ें मैंने इधर से इधर हटा दी थी। इसलिए फिर मैंने बेड को, आपको पता ही, बेड को वहाँ से हटा दिया था, एंड फिर मैं सामने ऑपोजिट साइड में बेड को रख रही थी। तो ये सब आप लोग देखिए, आपको पता चलेगा। फिर मैंने अपनी डाइनिंग टेबल को भी हटाया, कंप्यूटर वहाँ पर रखा था, वो मतलब यूज़ नहीं आ रहा था। ऐसे तो कंप्यूटर सही था लेकिन वो यूज़ ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा फिर जगह फालतू मेरे रूम में उसने कवर कर रखी थी, तो फिर मैंने इसको हटाकर दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया और थोड़ी स्पेस मुझे मिल गया रूम में, है ना। तो बस ये हम दोनों मिलके, सिस्टर साथ में काफ़ी हेल्प कर रही थी, हम दोनों ने मिलके रूम की पूरी क्लीनिंग करी थी। एंड इसके बाद में आप लोग इन्जॉय करिए, देखिए कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या कर रहे थे, ठीक है। अभी मैं म्यूज़िक लगा दूंगी तो आप लोग थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते सुनते आप लोगों को अच्छा लगेगा देखना, ठीक है। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। फिर मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ, वापस आपसे बात करती हूँ, ठीक है। तब तक आप लोग ये मेरी क्लीनिंग वाला जो है पार्ट ये पूरा देखिए, ओके। यहाँ पर गाइस डे सेकंड है, फर्स्ट डे आपने देखा कितना मैस था, डे सेकंड है जिसमें से यहाँ पर जो मेरा बेड लगा हुआ था ना वो मैंने यहाँ से हटाकर और बिल्कुल सामने देखेंगे तो यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। अभी मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है लेकिन जस्ट ये मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी। तो ये जो मेरा बेड है ना ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया। तो यहाँ पर सामने वॉल है, इधर एक विंडो है, इधर मेरी अलमीरा है, तो यहाँ सही है। और इधर मैंने स्पेस रखा है जिससे कि अलमीरा इजीली ओपन हो जाएगी, है ना, मैं इधर से जा सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने ये सही लगा क्योंकि ये एक साइड में आ चुका है। इसके बाद में यहाँ जो डाइनिंग टेबल रखी थी उसको मैंने हटाकर और यहाँ रख दी है, एंड इस पर अभी मैंने सारा सामान रख दिया बिकॉज के मैं इन सबको मुझे जगह पर रखना है, ठीक है। इसमें मेरी सारी न्यू ड्रेसेस है, जितनी भी आप ये पॉलीथिन्स देखोगे ना इन सब में न्यू ड्रेसेस है सारी। तो मैंने अलमीरा में रखी थी ये इस वाली अलमीरा में थी जो कि मेरे जस्ट बेड के ऊपर की तरफ था ना, यहाँ पर रखी थी ये सारी, बट मैंने इसमें से निकाल दी है एंड इसमें मैंने दूसरी चीज़ें रख दी है। तो यहाँ सारी मेरी न्यू ड्रेसेस है आप देखोगे, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ना तो मैं कभी आपको इस ये दिखाऊंगी, देखो ये पता है ये अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने मेरी से बड़ी जो सिस्टर है ना उसकी शादी जब हुई थी ना
तब मैंने बारात में पहनी थी ये ड्रेस, पता है। और ये इतनी इतनी शानदार ड्रेस है ना, अब वापस से स्टार्ट हो गई। अब आप देखो पैंट्स, अभी पैंट्स की ड्रेस कितनी ज़्यादा चल रही है, उस वक्त ये पैंट चला था, यानी कि उनकी शादी को आई थिंक 10 ईयर्स हो चुके हैं, 10 या 11 साल हो गए हैं ना, तो उस वक्त ये वाली चीज़ें चल रही थी, उस वक्त चल रही थी ये, एंड अब फिर से वापस ये चीज़ आ गई है। तो ये जो है ना, ये देखो आपको मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा इच्छा हो रही है मेरी आपको एक कुर्ता दिखाने की, बड़ा प्यारा कुर्ता है ये, एंड इसमें जो आप देख रहे हैं ना वर्क पूरा कुर्ती के ऊपर है पूरा, ये देखिए। एंड उसके बाद में मैंने वापस इसको कभी नहीं पहनी, मतलब कि ये समझ लो 10 साल से ये ड्रेस रखी है, एंड आप इसका वर्क देखो, आज भी 10 साल में बिल्कुल वर्क ख़राब नहीं हुआ और इतना शानदार अभी तक चमक वैसी, बिल्कुल वैसी है। एंड इसमें जो ये मिरर्स हैं ना, ये ओरिजिनल वाले मिरर हैं, वो पतरा जो आता है ना, फॉइल जो आता है ना, वो फॉइल नहीं है, ये ओरिजिनल मिरर हैं इसमें कांच के, ठीक है। एंड ये देखो, ये शॉर्ट है, शॉर्ट कुर्ता है, बड़ा प्यारा कुर्ता है, एंड इसके साथ में है पैंट्स। अब आप देखो वापस से पैंट चल गई है ना, उस वक्त भी पैंट चल रही थी, अभी भी वापस पैंट चल गई। तो वही वाली पुरानी वाली सारी फैशन है ना, वो सब अब वापस से आ रही है। अब मैं इसको वापस से समेटूंगी अभी, ठीक है, तह लगा कर रखूँगी। एंड इसका यहाँ पर है दुपट्टा, ये देखिए, ठीक है। तो ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में शाइनिंग देखो आप, मतलब 10 साल पुरानी ड्रेस है ये, और आप इसको देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, अभी तक बिल्कुल वैसा ही है। दुपट्टे में है ना, नीचे की तरफ ये जो पल्लू होता है ना, पल्लू में ये दे रखे हैं, इस तरह के लगे हुए हैं ये, ठीक है। एंड कभी मैं कुछ होगा ना तो आपको पहन के भी दिखाऊंगी, ठीक है। एंड इसके बाद में ये है इसका पैंट, अब देखो अभी भी पैंट चल रहा है, 10 साल पहले भी पैंट ही थी, है ना। तो अब ये पैंट है, एंड इस पैंट के ऊपर देखिए आप पूरा वर्क दिया है, ये देखिए, ये पैंट के ऊपर है ना, नीचे की साइड में यहाँ तक, ये पैंट है, और ये इसमें पूरा यहाँ तक वर्क दे रखा है। तो ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही ज़्यादा। कैसी लगी आपको बताना। हैवी ड्रेसेस अगर आप मेरी और भी देखना चाहेंगे ना, तो मैं एक ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी सारी हैवी ड्रेसेस, जो मैं आपको पूरी ओपन करके दिखाऊँगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मतलब इस पॉलीथीन में सब में मेरी ड्रेसेस ही रखी हुई है। तो अब इनको सब ड्रेसेस को है ना क्या करना है मुझे, यार पूरी अच्छे से रखना है, तो मैं इन सबको रखने वाली हूँ, ठीक है। एंड और भी क्या बुक, ये है पेपर्स वगैरह कुछ। एंड ये एक ड्रेस है मेरी, इसको भी मैंने एक बार ही पहनी है, ये भी बड़ी प्यारी ड्रेस है, ये गाउन है, फुल लॉन्ग गाउन है वो है इसके अंदर। एंड बहुत सारी ड्रेसेस है, इसको पता है, इसको मैंने कभी आज तक नहीं पहनी, मतलब मैंने सिर्फ इसको बाय की थी एंड पहनी नहीं है। आपको पता है मतलब उस वक्त ये ज़्यादा चल रही थी, आई थिंक ये भी पता नहीं कि तो 5-6 साल पुरानी ड्रेस है। अभी फिर से देखिए गोटा पट्टी आ गया है ना, तो ये आई थिंक 5-6 साल पुरानी ड्रेस है मेरी, एंड इसको मैंने बिल्कुल भी नहीं पहनी है। इसका कलर कितना प्यारा है, मेहंदी कलर है एकदम लाइट, ये फ्रॉक है, और मैंने ले ली थी, बस वो होता है ना हम लोगों को एकदम से, एक बस हमें लेनी है, और लेने के बाद में वो क्रेज़ ख़त्म हो जाता है, तो वो वाला क्रेज़ था मेरे अंदर कि मैंने इसको सिर्फ बाय की, बाकी मैंने इसको बिल्कुल पहनी तक नहीं है। ये ऐसे कैसे रखी है ड्रेस, मैंने फ्रूटी को बोला, मैंने कहा यार तू पहन लिया कर, अच्छी ड्रेस है, घर पे ही पहन ले, तो भी नहीं पहन रही कि इतनी हैवी कोई घर पे पहनते हैं क्या। मैंने कहा तो बाहर पहन ले, कहीं पे कहीं जाना हो तो बोल रही नहीं ये ओल्ड फैशन हो गई है, मैं नहीं पहनूंगी। अब आप बताओ ये ओल्ड फैशन है क्या, अभी यही तो वर्क चल रहा है ना, नेट भी चल रहा है अभी, है ना। और अंदर जो कपड़ा है वो देखो शाइनिंग वाला जो दे रखा है, साटन टाइप है, एंड वर्क ही देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और इसके अंदर भी, इसके साथ भी चूड़ीदार है और दुपट्टा है। बहुत सारी ड्रेसेस ऐसे रखी, ये तो बिल्कुल न्यू है, इसको तो मैंने डाली भी नहीं है बिल्कुल, है ना। ये इसका देखो नेट का दुपट्टा है, और दुपट्टे में ये लेस लगी हुई है, एंड ये इसका चूड़ीदार है। ऐसी बहुत सारी ड्रेसेस हैं, और बस जो भारी ड्रेस होती है ना वो हम नहीं पहन पाते, हम लोग बाय तो कर लेते हैं, ले तो लेते हैं यार,
के नहीं लेनी है, और कोई भी घर में किसी के भी कुछ भी फंक्शन होता है तो हम लोग ले लेते हैं कि बस हमें पहननी है पहननी है, और वो एक बार से ज़्यादा नहीं पहन पाते। इसके अंदर भी ड्रेसेस है मेरी, तो अब मैंने यही डिसाइड किया है कि यार कुछ भी हो, शादी हो कुछ भी हो किसी की भी, तो आपके भारी ड्रेसेस तो बिल्कुल लेनी नहीं है। एकदम सिंपल ड्रेस लो और सिंपल सी पहनो। ये तो आपने मेरा देखी है ना कॉटन की, ये वाली, ये जो है ये मैंने पहनी थी, मेरा ब्लॉग भी है इसके अंदर, आप लोग देखना। ये बीबा की है, ये अभी मैंने रिसेंटली ली है, मतलब दो आई थिंक 6 महीने हुए होंगे शायद मे भी, है ना। तो ये तो बीबा की है, बहुत ही बड़ी प्यारी है। कभी ये भी मैं कहीं पे जाएंगे तो पहनेंगे, ऐसे नहीं पहन सकते ठीक है। एंड बाकी और भी बहुत सारी ड्रेसेज है, तो मुझे ये सारी है ना अभी मैंने इसको यहीं पर रख रखी है। एंड ये कुर्ता गाइस मैंने, ये तो मेरी न्यू ड्रेस है, ये मैं मेरी न्यू ड्रेस है पता है। एंड इसको भी मैंने अभी तक नहीं पहनी है, एकदम न्यू है। इसका कलर देखो आप कितना प्यारा कलर है, एंड एकदम न्यू ड्रेस है ये, एकदम न्यू, अभी तक मैंने इसको भी नहीं वियर की है, पहनी नहीं है, बहुत ही प्यारी ड्रेस है। तो मैं, आप लोग कमेंट करना तो मैं आपको अपनी हैवी ड्रेसेस सब दिखाऊंगी ठीक है, आपको आइडियाज़ मिलेगा। ये पता है ये वाला जो है ना, ये भी फ्रॉक है, एंड ये पता है कितने साल पुरानी है, ये आई थिंक मेरी चाची जी की जो लड़की है ना सबसे बड़ी वाली, उनके कोई फंक्शन था शादी का, तो अर्जेंट में जाकर और मैंने ये बाय करी थी, तो आई थिंक बहुत साल पुरानी है ये, समझ लो आई थिंक ये ड्रेस आराम से 15-20 साल पुरानी है ये ड्रेस। और मैंने इसको भी एक दो बार पहना, उसके बाद में मैंने नहीं पहना इसको, एज इट इज़ है। बट इसका कपड़ा हो देखो आप, अभी तक वही चमक वही सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको मुझे अपनी सबको जगह पर रखना है, अभी इनको तय लगाना है फिर, और इन सबको मैं हटाऊंगी। तो मैं ना आपको ये बता रही थी, तो ये मेरी डाइनिंग जो है ना टेबल, इसको मुझे यहाँ पर अभी मैंने सामान रख रखा है, तो अभी सेकंड डे, अभी पूरा हुआ नहीं है मेकओवर, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। इसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वो किया है अच्छे से, ये कर्टन है जो मैंने वापस से लगा दिया है वॉश करके इसको ठीक है। इसके अलावा मैंने अपना जो सिल्वर प्ले बटन है वो रखा है, एंड यहाँ पर पॉट्स वगैरह रखे हैं, लेकिन अभी मुझे ये वाला भी एरिया वापस सेट करना है। मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा वापस चेंज करूँगी मैं। तो ये मेरे सारे प्रोडक्ट गाइस सब रखे हुए हैं, एंड इन प्रोडक्ट को अभी मुझे मैंने कल सारे वॉश करके रखे थे, क्योंकि अब डस्ट वगैरह लग जाती ना, तो मैंने सब गीला मतलब पानी से सबको वॉश करके और बॉटल्स जो बाहर से एकदम क्लीन करके रख दी। मैंने कहा सूख जाएगी तब कल इसको मैं वापस से सही से जमाऊंगी। तो ये स्टोरेज बॉक्स है, इसको मुझे क्लीन करना है, ये मैं लास्ट में क्लीन करने वाली हूँ। अभी ये जो सामान आपको दिख रहा है ना, ये सारा सामान मुझे यहाँ टेबल पर रखना है, मतलब कि ये नीचे जो टेबल पर इतना सारी जगह दिख रही है ना आपको, मैं इन यहाँ पर इन सबको सेट करने वाली हूँ। ये देखो आप, सारा मेरा DIY से रिलेटेड ऑयल्स की बॉटल्स वगैरह जो स्टोरेज होता है ना, वो सब है इसके अंदर, तो वो सब मैं यहाँ पर अभी सेट करूँगी। तो बस अब बैठ के मैं ये वाला काम करूँगी ठीक है। इसके बाद में फिर फाइनल जो लुक होगा वो थोड़ा और भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी सारी चीज़ें हटनी बाकी है ना इसलिए ठीक है। एंड बस तो चलिए अब इसको यहीं पर बंद करते हैं, और मैं जल्दी से थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ फिर से रूम को। एंड यहाँ पर गाइस आप लोग देख रहे हैं, ये फिर है थर्ड डे का, मतलब कि सेकंड डे मैंने वो सारी क्लीनिंग की थी ना, फिर थर्ड डे स्टार्ट हो गया था, एंड थर्ड डे पर मैंने वो
अपना जो टेबल है उसको क्लीन करने के बाद में फिर हम लोग शाम में, पता है आपको रोज़ा इफ्तार का टाइम हो जाता है और फिर डिनर वगैरह में थोड़ा सा है ना वो टाइम बहुत जल्दी जाता है, तो फिर जल्दी से मैं और सिस्टर हम लोग किचन में आ गए थे एंड वो बना रही थी जो है, एक तो राइस बन चुके थे, नमकीन जो राइस होते हैं तहारी जिसको बोलते हैं वो बन चुकी थी एंड उसके बाद मैं वो पालक बना रही थी, पालक की सब्ज़ी, और मेरी इच्छा हो रही थी पालक के पकौड़े बनाने की। मैंने कहा चलो मैं पालक के पकौड़े बना लेती हूँ, तो एक तरफ मैं पकौड़े की तैयारी कर रही थी, एक तरफ वो पालक की सब्ज़ी बना रही थी और राइस है वो ऑलरेडी बन चुके थे। तो हम लोग किचन में आ गए और किचन में फिर फटाफट सब्ज़ी और ये सब बनाने लगे। एक साथ दो तीन लोग मिलके करते हैं ना तो बहुत जल्दी काम निपट जाता है, मतलब एक घंटा भी नहीं लगता, बहुत जल्दी से काम हो जाता है, और जब एक ही इंसान करता है तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर मैं पकौड़े बना रही थी, मेरी बहुत इच्छा हुई थी क्योंकि पालक काफ़ी था, तो मैंने कहा तुम आधा पालक बना लो, थोड़ा सा रखना था, मैंने कहा रखने से कोई मतलब नहीं, हम लोग पकौड़े बनाते हैं, पकौड़े बहुत टेस्टी, बहुत दिन से पकौड़े नहीं खाए थे, तो मैंने कहा चलो ये बना लेते हैं पालक के पकौड़े। तो बस उसी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बस नॉर्मल जो होता है ना बेसन डाल देते हैं, पालक को धो के काट दिया था मैंने, फिर उसमें बेसन डाल दिया, फिर नमक मिर्ची हल्दी गरम मसाला एंड पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा होता है वो डाल दिया था, ये सब चीज़ें डाल के और फिर अच्छे से इसका जो पेस्ट है वो बना लिया था और फिर फटाफट मैंने सारे पकौड़े बना दिए थे एंड बस ये था। और फिर बहुत तेज़ मुझे भूख भी लग रही थी क्योंकि दिन भर क्लीनिंग वगैरह वो भी चल रही थी, फिर नहाई धोई है ना, नहाने के बाद मैं फिर वापस से थोड़ा सा और क्लीन किया था रूम, उसके बाद मैं फिर आ गई थी किचन में, तो बहुत तेज़ भूख लग रही थी एंड साथ में आपको ये एक और दिख रही है फ्रूटी है, ये भी कुछ कुछ कर रही थी है ना, एंड फिर मैंने कहा जल्दी से पकौड़े तल लेते हैं और बस यही था। तो आप लोग देखिए इंजॉय करिए और बस। क्योंकि मुझे वीडियो जल्दी बनानी थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ बैठ के बनाऊं, तो इसलिए मैंने टेम्परेरी इसको सेट किया है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख रहे हैं इसमें सल भी दिख रहे हैं, मुझे प्रेस भी करनी है इसके ऊपर, आयरन भी करना है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ओके, और ये तो वैसे भी ब्लॉग है तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है ना। ये टेबल पे क्या है? ओह माय गॉड, ये लीफ है, मुझे यहाँ दिखा, यहाँ पर तो मैंने देखा ही नहीं। ये देखो खराब हो गई ना, ये ओरिजिनल के अंदर यही होता है, केयर हम कितनी भी केयर अच्छे से कर लेना तो भी ये होता ही रहता है खराब, एक आधा पत्ता तो निकल ही जाता है। तो बस मैं ये वीडियो शूट कर रही थी अपनी, एंड कर ली है मैंने, अब मुझे अदर और दूसरी भी शूट करनी है। आइए मैडम आइए जल्दी से। तो गाइस जो मेरे चैनल पे अचिष ब्यूटी चैनल पे जो लोग नहीं हैं यहाँ वाले वो उधर चले जाना, उधर मैंने टीनेजर सीरीज स्टार्ट कर दी है। ठीक है,
और ये टीनेजर इस सीरीज आई थिंक पता नहीं कितनी वीडियो जा चुकी है, ये व्लॉग आई डोंट नो पहले आएगा बाद में आएगा मुझे भी नहीं पता, बट आपको ये व्लॉग जब भी मिलता है आप वहाँ जाकर चेक कर लेना। मैंने पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है और उस सीरीज का प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, तो एक एक वीडियो मैं उधर भी प्लेलिस्ट में ऐड करती रहूंगी, ठीक है। तो ये पूरा 7 दिन का मैं बता रही हूँ, मतलब 7 दिन की वो सीरीज चलेगा, ओके। तो आप में से जो भी टीनेजर है तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आ जाओ ये, और टीनेजर आपको पता है, आप लोग सब लोग जानते हैं, वो है फ्रूटी यानी कि राहिन, ठीक है। आप लोगों को फ्रूटी नाम ही पता है इसलिए मैं फ्रूटी बोलूंगी। तो वो टीनेजर है, तो मैं ये पूरी सीरीज जो भी करने वाली हूँ ये मैं सब उसी के हेयर पर करने वाली हूँ। मैं खुद भी उसको यूज करूंगी सारी चीजों को, बट आप लोगों को मैं वो टीनेजर दिखाऊंगी, ठीक है। आ जाओ बेबी जल्दी से, आ जा बेबी जल्दी से, यहाँ पर बैठ जाओ। अब वो लेके आ जाइए यहाँ पर, ये क्या पटरा लिए ये इधर, और यहाँ पटरे पे बैठ जाइए, हम आपके आराम से ऑयलिंग कर देंगे। बट आप, ओ माय गॉड, क्यों नहीं हो रहा, जल्दी आइए, टाइम कम है बेबी। एक बाउल लेके आना, हम ऑयल निकालना है, एंड मैं यूज कर रही हूँ ये वाला ऑयल, इसके बारे में सब कुछ बता दिया, आप लोग उधर देख लेना चाहकर, ठीक है। अब मैं जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। एंड अब मुझे वापस से शूट करना है, देन उसके बाद में मैं आपसे मिलूंगी फिर थोड़ी देर बाद। स्टार्ट कर रही हूँ, बस अब ये वाला तेल मैं लगाऊंगी उसके, ठीक है। एंड ये वीडियो आप प्रॉपर अच्छे से देखना चाहते हैं तो मेरे चिश ब्यूटी चैनल पे देख लेना। एंड यहाँ पर है ना वो क्या बोलते हैं पीछे वो रखी है ना प्लास्टिक की, सिर्फ हाथ से ले लीजिए आप चीजें, वरना मैं ये छोड़ 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 ये ले लीजिए, वो ले लीजिए व्हाइट वाला, हाँ वो सही है ना, ये वॉश किया हुआ इसमें डाल लेते हैं ना, इसमें मैं ऑयल निकाल रही हूँ, ठीक है। गाइस आपको पता है मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं सीढ़ियों में खड़ी हूँ अपनी सिस्टर को डराने के लिए, वो जैसे ही ऊपर आएगी और मैं उसको डराऊंगी तो मैं सीढ़ियों में खड़ी हूँ। वो आ गई आ गई आ गई,